उस वेबसाइट में हमने नियर अबाउट 34 कंटेंट्स रखे हैं, जिससे कि हम हाउस टू हाउस सर्वे करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर आज ट्रेनिंग सेशन रखा था अपने जोनल नोडल अफसर जो हमारे हैं, हमारे चूंकि इस जिला में 18 एजुकेशनल जोन्स हैं, तो 18 एजुकेशनल जोन्स के हमने 18 जोनल नोडल अफसर रखे, उनको हमने यहाँ पर टैब भी मुहैया की, और उस टैब में हमने ये हमारी एप्लीकेशन हैं वो अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट फेज रहेगा कि हमने उनके साथ लिंक करने हैं सर्वेस कम इन्यूमरेटर्स का हमारा नेक्स्ट सेशन है ट्रेनिंग का नियर अबाउट, क्योंकि ये बड़ा ज़िला है पूरा इस वैली का, तो इसके लिए हमने 1500 जो हमारे सर्वेस कम इन्यूमरेटर्स हैं वो तैयार करने हैं। हम डोर टू डोर सर्वे करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमें इस मुद्दा और मकसद हमारा यही है कि कोई भी बच्चा हमारा जो है वो 4 to 18 हमारा स्कूल से बाहर ना रहे, और अगर किसी वजूहात के बिना पर वो बाहर भी रहता है तो हम किस तरीके से उस तक हम तालीम पहुंचा सकें। इसके लिए हमने एक प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम रखा है, हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को जिस वक्त हम फिर उसके बाद उसका मेन स्ट्रीमिंग करना है, उसका मेन स्ट्रीमिंग के बाद हम ये देखते हैं कि अगर बच्चा हमारा प्राइमरी से अपर प्राइमरी ट्रांजिशन हो रही है तो ये कहाँ गया बच्चा, इसके लिए प्रॉपर ट्रैकिंग वगैरह हो जाएगी। इस जो ये ऐप है इसके और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं हमारे, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक एजुकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, क्योंकि हमने आज तक कोई भी एजुकेशन की सर्वे नहीं की है। दिस इज ऑनली बाय द एफर्ट्स ऑफ आवर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, जिसमें हमारा एक प्रपोजल एक बना था, जो प्रपोजल हमारा वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला ने अप्रूव किया और नीति ने भी अप्रूव किया, नीति आयोग ने, और हम आज उसी की यहाँ पर प्रोग्राम की लॉन्चिंग सेरेमनी कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने देर तक चलेगा, क्योंकि आपने कहा कि तकरीबन 1500 इनको अपराध को या टीचर्स को या जोनल हेड्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उसको ट्रेन किया जाएगा ताकि बेहतर तरीके से इस ऐप का फायदा उठाया जा सके, तो मुझे बताएं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिनों तक रहेगा। देखिए आज के हवाले से मैं अगर बोलूंगा जो आज का दिन का ट्रेनिंग सेशन था, ये ट्रेनिंग सेशन में हमने 4 सेशन रखे हैं, मॉर्निंग में 2 सेशन हमारे हो गए और अब इवनिंग में 2 सेशन हमारे होने जा रहे हैं। इसमें 4 मॉड्यूल्स हमने तैयार किए थे, एक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मॉड्यूल था, फिर दूसरा हमारा ट्रांजिशन रेट का मॉड्यूल रहेगा, और फिर उसके बाद तीसरा मॉड्यूल जो हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो भी हमने इसमें रखा है, तीसरा हमारा चौथा मॉड्यूल जो हमारा है 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट का ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा जडेनुस का ट्रेनिंग सेशन, और इसके लिए जो हमने जिसके साथ हमने एक आउटसोर्स किया है ऐप के लिए, हमने जो 2 साल हमें पूरा बैकअप दे देगा इस वेबसाइट के लिए, तो वो हमारा जो ऑपरेटर भी यहाँ पर आया था उसने पूरा इनको हैंड होल्डिंग दे दिया रिलेटेड टू ऐप। अब जो आने वाले समय में जो हमारे आगे जो इन्यूमरेटर्स और सर्वेयर्स जो हैं जिनका अब हम तैयारी करने जा रहे हैं, उनका इतना इसमें पार्ट नहीं है, अलबत्ता उनकी भी हैंड होल्डिंग जो है ऑनलाइन करने हैं, क्योंकि फिजिकल मोड में अगर हम देखेंगे तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है। हमने अपने जो जडेनुस तैयार कर दिए हैं, जडेनुस के साथ हम एक और लिंक कर रहे हैं असिस्टेंट जडेनुस, उनको भी हम ट्रेन करेंगे, मे बी कल हो जाएगा या मंडे को ये सेशन हो जाएगा, आफ्टर दैट ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वेल वर्सड हो जाएंगे हमारे जडेनुस और असिस्टेंट जडेनुस, फिर टीचर जो है डोर टू डोर सर्वे करनी है, फॉर दैट उनके टीचर्स को हमने रेम्यूनरेशन भी रखा है और उनको हम लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक अपनी नवीयत की पहली ऐसी सर्वे होगी जो हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में करने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस चीज़ से प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में है बच्चे जो है स्कूल छोड़ चुके हैं या प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं, तो क्या इससे एनरोलमेंट में इजाफा हो सकता है सरकारी स्कूलों में? देखिए हमारी तो गुलजार साहब एक कोशिश रही है, और कोशिश से हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही वाबस्तगी है। हमने लास्ट ईयर भी एक बेटर रिजल्ट्स दिए एनरोलमेंट के हवाले से, जिसमें कि पूरे यूटी में हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है सरफहरिस्त रहा। हमने लास्ट ईयर तकरीबन हमने अगर किंडरगार्टन की ही बात करूंगा मैं तो 17,000 के करीब हमने बच्चे एनरोल किए, और डिफरेंट बाकी क्लासेस में भी हमने काफ़ी बच्चे एनरोल किए, और हमारा लास्ट ईयर का जो अनाउंसमेंट था एनरोलमेंट में वो 25